नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं माय आईटीआई ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम जानेंगे कि पंप हेड कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि पंप हेड क्या होता है, और साथ ही साथ हम जो है पंप नेम प्लेट के ऊपर जो लिखा रहता है उसको जो है किस तरह से जो आप पढ़ेंगे, पंप की नेम प्लेट को पढ़ना भी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो है हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेड के बारे में कि हेड जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि पंप हेड क्या है, क्या होता है और किस तरह से जो है इसको जो है मेजर किया जाता है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंप हेड के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पंप हेड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जो है हेड रहते हैं, और क्या जो है पंप की जो नेम प्लेट है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप की नेम प्लेट के ऊपर कुछ जो है लिखा रहता है उसका क्या मीनिंग रहता है, उसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टाइप है, इस तरह का मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और टाइप क्योंकि किसी किसी पंप के ऊपर जो है ये चीज़ें लिखी रहती है, टाइप हर पंप के ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप की अगर हम बात करते हैं तो RKBF 40/10H 12S, ये इसका जो है मीनिंग क्या है, ये इसका पंप का किसी भी पंप का एक टाइप है। और जो यहाँ पे ये 40 लिखा हुआ है, ये इसकी डिलीवरी डाय का साइज है, और 12 स्टेजेस का ये पंप है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये हेड की अगर हम बात करते हैं तो हेड जो है इसमें 419 मीटर है। हेड को नोट किया जाता है H के साथ, और मेजर किया जाता है इसको M के साथ। और उसके बाद अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड एक मैक्सिमम वर्टिकली हाइट होती है जहां तक पंप जो है फ्लूड को लिफ्ट करता है, उसको जो है पंप हेड बोला जाता है। और इसको मेजर जब M के साथ किया जाता है, तो यदि हम इसका जो 419 मीटर से जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे, इससे ऊपर इसको ले जाएंगे तो इसके फ्लो में कमी आ जाएगी, और यदि हम इसको 419 मीटर से कम इसका हेड रखेंगे तो इसके फ्लो में जो है इसका फ्लो जो है बढ़ेगा। और कई कई पंप के अंदर जो है आपको इस तरह का जो है कंपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है एक कर्म दिया होता है जिसको कि BEP जो है बोला जाता है, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट रहता है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर उस स्टेज तक देता है। और अगर हम इसके डिस्चार्ज की बात करते हैं तो डिस्चार्ज यहाँ तक यहाँ पे 300 MQ/h कई में लिखा होगा, कई में लीटर पर सेकंड के हिसाब से लिखा होता है। और क्योंकि जो फ्लूड जो है पंप यहाँ से जो लिफ्ट कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्टिकली हाइट तक जहाँ तक भी पंप किसी फ्लूड को लिफ्ट कर रहा है उसको जो है हेड बोला जाता है। और डिस्चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो डिस्चार्ज जो है आप मेज़र कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी साइड पे एक गेज लगा हुआ होता है जो कि मीटर लगा हुआ होता है, जो कि प्रेशर मीटर होता है, वहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपके पास मीटर नहीं है तो आपको क्या चाहिए कि जिस पंप को जिस टैंक को आप भर रहे हैं उस टैंक की जो कैपेसिटी का आपको पता होना चाहिए। उस टैंक की कैपेसिटी का यदि आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं कि 0 से लेकर के 100 लेवल तक जो है वो कितने समय में जो है उस टैंक को भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है तो 1 घंटे में वो जो है 300 MQ/h के हिसाब से भरेगा, तो इस टैंक की कैपेसिटी जो है आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और कई जो है नेम प्लेट के ऊपर जो है पंप की नेम प्लेट के ऊपर जो है इस तरह का इंपेलर डाया भी दिया होता है जो कि यहाँ पे 280 mm है, जो कि उसका आउटर डाया है, जो कि इंपेलर आपका ये हमारे पास एक इंपेलर है, इसका जो आउटर डाया है ये जो है mm में जो है यहाँ पे जो है लिखा होता है कई कई पंपों में, कई पंपों में जो है आपको ये नहीं मिलेगा, और कई पंपों में जो है और RPM आपको जो है सभी पंप के ऊपर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 1440 और 2900, ये इसका जो है रेवोल्यूशन पर मिनट 1 घंटे में जो है कितने बार जो है आपका पंप घूमेगा ये जो है यहाँ पे लिखा होता है। और साइज़ भी आपका लिखा होगा, साइज जैसे कि यहाँ पे लिखा है 40/50, ये 50 mm इसका जो है सक्शन साइड का डाया, और जो 40 mm है वो डिलीवरी साइड का जो डाया है इसका,
क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है मैक्सिमम पंपों के अंदर जो है आपको जो है सक्शन साइड का जो डाया है वो आपको ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि आपके पंप का जो है डैमेज होने के उसमें हवा भरने की कई बार संभावना रहती है यदि आप उसमें जो है डाया कम रखते हैं। तो इस स्थिति में जो है आपको डाया जो है सक्शन साइड का जो डाया है वो आपको जो है थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, और डिलीवरी साइड का जो डाया है वो आपको जो है कम रखना चाहिए। तो इसके बाद अगर इस तरह का कई और पंप के अंदर आपको रिकमेंडेड प्राइम मूवर भी लिखा होगा जो कि किलोवाट में होगा, और जो कि आपको जैसे मान लो हमारे केस में 30 HP और किलोवाट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार किलोवाट में दिया होता है और कई बार जो है HP में दिया होगा। यदि आपको जो है HP से किलोवाट कन्वर्ट नहीं करना आता तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसके ऊपर भी आपको वीडियो जो है हमारे चैनल के ऊपर फिर मिल जाएगी। तो कमेंट जितना ज़्यादा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा ताकि जो है अन्य लोगों तक भी जो है जानकारी पहुँचे। और उसके बाद अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि हेड होता क्या है। जो हेड जो कि किसी भी एक मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होती है जो कि पंप जो है फ्लूइड को जहां तक लिफ्ट कर रहा है, ये वर्टिकली हाइट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी होती है। जिसको कि पंप जो है लिफ्ट करता है उसको जो है वर्टिकल हाइट बोलते हैं। यदि आपको जो है प्रेशर निकालना नहीं आता तो हेड से जो है प्रेशर निकालना नहीं आता तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जो है वीडियो इसके ऊपर भी मिल जाएगी कि किस तरह से जो है यदि आपके पास पंप का हेड है तो किस तरह से जो है उसका जो है प्रेशर जो है आप निकाल सकते हैं कि कितना इस पंप का जो है प्रेशर हो सकता है। और अब हम हेड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड जो है बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो हेड आता है वो आता है सक्शन हेड। ये हमारा सक्शन हेड आपकी जो पंप की सेंट्रल लाइन है, ये हमारे पंप की सेंट्रल लाइन है। यहाँ से लेकर के जहाँ से आप फ्लूइड को उठा रहे हैं, जिस जो यहाँ पे आपकी जो ये वाटर लेवल है, जिस वाटर लेवल से जो है आप फ्लूइड को उठा रहे हैं और जो पंप की सेंट्रल लाइन तक का जो हिस्सा होता है उसको जो है सक्शन हेड बोला जाता है, जिसको कि डिनोट किया जाता है HS के साथ। ये इसका जो है सक्शन हेड है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है डिलीवरी हेड। कि डिलीवरी हेड होता क्या है, डिलीवरी हेड जो है आपका जो पंप की सेंट्रल लाइन से लेकर के जहाँ तक जो है आपका फ्लूइड जा रहा है, जहाँ तक आपका जो है पंप पानी को उठा रहा है, उसको जो है डिलीवरी हेड जो है बोला जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है HD से। और उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा नंबर पे आता है स्टैटिक हेड, जिसको हम टोटल हेड भी बोलते हैं। स्टैटिक हेड जो है आपका सक्शन लेवल से लेकर के डिस्चार्ज लेवल तक का जो भी, इसको हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड इक्वल टू स्टैटिक हेड। तो जो सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को मिला करके जो है एक स्टैटिक हेड बनता है, जो कि सक्शन लाइन से लेकर के जो कि सक्शन लेवल के जो आपका पानी का लेवल है वहां से लेकर के जहां तक जो है पंप पानी को जो है फ्लूइड को पहुंचा रहा है उसको जो है स्टैटिक हेड बोला जाता है। और चौथा जो अंतिम पॉइंट है वो है मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हेड जो है चार प्रकार के होते हैं। मैनोमेट्रिक हेड जो है आपका क्या होता है, क्योंकि कोई भी पंप जो है 100% की एफिशिएंसी के साथ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ उसमें लॉसेज होते हैं। इसमें जो मैनोमेट्रिक हेड होता है, इसमें जो है जो हेड गिवन बाय इंपेलर, जो इंपेलर के द्वारा जो है हेड दिया जाता है माइनस लॉसेज, जो उसमें लॉसेज होते हैं उसको जो है माइनस करके जो है आपका जो मैनोमेट्रिक हेड जो है बन जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।